हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी टेक्निकल 53rd कोर्स की कट ऑफ परसेंटेज के बारे में। तो गाइस, इंडियन आर्मी ने एसएससी टेक्निकल जो 53rd कोर्स है, जिसके फॉर्म 23 जनवरी 2019 से लेकर 21 फरवरी 2019 तक फिलअप किए गए थे, उसकी कट ऑफ परसेंटेज जो है वो डिक्लेयर कर दी है। तो एसएससी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जितना कट ऑफ परसेंटेज होना चाहिए था एसएससी टेक 53rd के लिए, उसकी परसेंटेज जो है कट ऑफ परसेंटेज वो अनाउंस कर दी गई है। उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन आज 18 फरवरी 2019 को इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जो है पब्लिश कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कितना कितना परसेंटेज गया है किस किस ब्रांच के लिए। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कोर्स का नाम। तो कोर्स का नाम है एसएससी टेक 53 अक्टूबर 2019 कोर्स। और इसमें एक बात ये बताई गई है कि जो इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स हैं उसके लिए जो कम्युलेटिव परसेंटेज ली जाएगी वो 6 सेम तक ली जाएगी, और जो एमएससी कंप्यूटर साइंस के लिए कैंडिडेट्स होंगे उनकी जो कम्युलेटिव परसेंटेज होगी वो 2nd सेम तक ली जाती है, और जो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हैं उनकी कट ऑफ जो है वो 8 सेमेस्टर तक ली जाती है टोटल। तो इंजीनियरिंग के लिए 6 सेम तक, एमएससी कंप्यूटर साइंस के लिए 2nd सेम तक, और आर्किटेक्चर के लिए 8 सेम तक। तो अब आइए देखते हैं सिविल के लिए कितनी कट ऑफ परसेंटेज गई है। तो सबसे पहले सिविल की बात करें तो सिविल के लिए वैकेंसीज थी 46 और जो इसकी कट ऑफ परसेंटेज गई है वो गई है 50%। नेक्स्ट है इसमें मैकेनिकल ब्रांच, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए वैकेंसी थी 14 और जो कट ऑफ परसेंटेज गई है मैकेनिकल के लिए वो गई है 73%। तो 73% कट ऑफ परसेंटेज है मैकेनिकल ब्रांच के लिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल स्लैश इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इस ब्रांच के लिए वैकेंसी थी 22 और जो कट ऑफ परसेंटेज है वो है 50%। 50% जो है इलेक्ट्रिकल स्लैश इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो है कट ऑफ परसेंटेज है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं एरोनॉटिकल एंड बेलिस्टिक्स और एवियोनिक्स, तो इसके लिए जो वैकेंसी थी वो थी 12 वैकेंसीज और जो कट ऑफ परसेंटेज गई है इसके लिए वो गई है 50%। तो 50% जो है एरोनॉटिकल बेलिस्टिक्स और एवियोनिक्स के लिए कट ऑफ परसेंटेज गई है। नेक्स्ट है इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्लैश एमएससी कंप्यूटर साइंस, तो ये जो ब्रांचेस हैं इनके लिए वैकेंसीज थी 44 और जो कट ऑफ परसेंटेज इसके लिए गया है वो गया है 50%। नेक्स्ट अब ब्रांच की बात करें तो इसमें आती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो इस ब्रांच के लिए जो वैकेंसीज थी वो थी 23 और जो कट ऑफ परसेंटेज गया है वो गया है 50%। 50% जो है इसके लिए कट ऑफ परसेंटेज गया है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं ब्रांच जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर ऑप्टिक्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव, तो इन ब्रांचेज के लिए जो वैकेंसीज हैं वो हैं 8 और जो कट ऑफ परसेंटेज गया है इसके लिए वो गया है 50%। नेक्स्ट ब्रांच जो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए थी वैकेंसीज 3 और कट ऑफ परसेंटेज गया है 50%, 50%। नेक्स्ट है इसमें और जो लास्ट ब्रांच है इसमें वो है आर्किटेक्चर स्लैश बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इसके लिए ब्रांचेस इस ब्रांच में जो वैकेंसीज हैं वो हैं 3 और जो कट ऑफ परसेंटेज गया है इसमें वो हैं 50%। तो 50% ही इस ब्रांच के लिए भी जो है कट ऑफ परसेंटेज गया है, और टोटल जो वैकेंसीज थी इसमें वो थी 175। तो 175 वैकेंसीज के लिए डिफरेंट ब्रांच के लिए ये थी इसकी कट ऑफ परसेंटेज। तो गाइस, जिनकी ये कट ऑफ परसेंटेज क्लियर हो गई होगी उनकी रिस्पेक्टिव जो स्ट्रीम है, जो रिस्पेक्टिव ब्रांच हैं, तो उनको जो क्लियर कट ऑफ वाले कैंडिडेट्स होंगे उनको ईमेल अभी तक आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो 1-2 दिन में आ जाएगा, और वो अपने जो अकाउंट है इंडियन आर्मी पे, जो ऑफिसर सिलेक्शन का जो अकाउंट उनका होता है, वहाँ पर लॉग इन करके अपने डेट सिलेक्शन लिंक में जाके अपना जो सेंटर है वहाँ पर अपनी SSB के लिए डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर आपका जो है सारा डाटा आ गया होगा कि किस किस डेट पे जो है SSB कंडक्ट किया जाएगा। तो गाइज, ये था कट ऑफ परसेंटेज फॉर SSC टेक 53rd कोर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जिन जिन कैंडिडेट्स का SSB होने वाला है उन सबको ऑल द बेस्ट। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी तरह की अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।